तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रश्मि देसाई कुछ करें या ना करें, उन्हें ट्रोल फिर भी होना पड़ता है। ये तो बात आप अच्छी तरीके से जान दूंगी। जहाँ रश्मि देसाई ने थोड़ी सी कामयाबी पकड़ी, वहीं पर कहते हैं ना, लोगों के मुंह खुल जाते हैं बोलने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उमर रियाज और अंजलि अरोड़ा का गाना आया है साथ में, तो कुछ जो हेटर्स हैं वो तो कहते हैं ना, रश्मियांश को चिढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने सही कह रहा यार, रश्मि दफा हो गए उमर रियाज की ज़िंदगी से, वरना हमारे को इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखने को भला कहाँ मिलने वाली थी। हेटर्स ये बात कहीं ना कहीं बोलते हुए और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, इंस्टाग्राम पर हैशटैग भी चलाएं और ऊपर से ट्विटर पे तो भैया आग लगाई हुई है इन दोनों ने। हर जगह के नाम में रश्मि का मुद्दा उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ यार ये रश्मि कुछ कर ही नहीं रही, खाली बैठी हुई है, हमें खाली बैठी हुई ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसके बस की भी नहीं है, ऐसा उल्टा सीधा बोलते हुए नज़र आए। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यार मेरे को डर है कहीं वोलेंट का के करके चैनल ना रुक जाए या वीडियो ना रुक जाए, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। वरना आप कहोगे तो मैं आपको पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आइए, मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगा भी ये चीज़। लेकिन यार मेरे बात ये समझ में नहीं आती ना, तो अब रश्मि साहब गाना ला रही ना कुछ करनी, फिर भी किस बात की चूल्हे, किस बात की है नफरत है यार, कभी चेंज जीने तो दो कम से कम। अब ना तो वो बंदी गाने वाने ला रही ना कुछ कर रही, बस क्या कहें, धार्मिक में भी कहते ना भजन वजन आरती वारती इसी में लगी हुई है रश्मि से। लेकिन फिर भी चूल्हे ये कहा जा रहा है कि अल्टा यार हमारे को तो अब अंजलि ज़्यादा अच्छी लगने लगी उम्र के साथ, और गाना भी इतना अच्छा है, और यूँ भी कहा जा रहा है कि अंजलि हमारे को रश्मि का एक भी गाना इतना अच्छा नहीं लगा जितना उमर रियाज के बैक टू बैक अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। अब आपको इसमें क्या है कहना, क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताएं।